जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। पैक्ड जूस और डेयरी उत्पादों के साथ मिलने वाले प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर सरकार 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस कदम को देखते हुए देश के सबसे बड़े डेयरी समूह अमूल ने सरकार को पत्र लिखा है। अमूल ने सरकार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को कुछ समय के लिए हटाने का अनुरोध किया है। अमूल ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के किसानों और दूध की खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं अमूल से पहले कई बेवरेज कंपनियों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ पर छूट देने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया था। अमूल ने प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ में गुहार लगाई है। पीएमओ को लिखे पत्र में अमूल के प्रबंधक निदेशक ने कहा है कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ दूध की खपत को बढ़ाने में मदद करते हैं। सरकार के इस फैसले ने अमूल और पेप्सिको और कोका कोला सहित कई बेवरेज कंपनियों को हिला दिया है, लेकिन सरकार ने अपना रुख बदलने से इनकार कर दिया है और कंपनियों से वैकल्पिक स्ट्रॉ पर स्विच करने को कहा है। पीएमओ को लिखे एक पत्र में इन कंपनियों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ का विकल्प अपनाने के लिए सरकार से और समय की मांग की है। अमूल के प्रबंधक निदेशक ने पत्र में लिखा है कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर बैन के फैसले को कुछ दिन के लिए आगे बढ़ाने से दूध के 10 करोड़ डेयरी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। खबरों के मुताबिक प्लास्टिक स्ट्रॉ कम इस्तेमाल होने वाला उत्पाद है, जिसे पेपर स्ट्रॉ के साथ बदला जा सकता है। 5 रुपए से 30 रुपए के बीच की कीमत वाले जूस और दूध वाले प्रोडक्ट्स का भारत में बड़ा कारोबार है। अमूल, पेप्सिको, कोका कोला के ज़्यादातर पेय पदार्थ प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ही पैक करके ग्राहकों तक पहुंचाए जाते हैं। वहीं पेय पदार्थों की बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक्शन अलायंस ऑफ रिसाइकलिंग बेवरेज कर्टन्स यानी कि AARBC के प्रवीण अग्रवाल ने कहा है कि कंपनियाँ प्रतिबंध को देखते हुए इंडोनेशिया और अन्य देशों से पेपर स्ट्रॉ के आयात करने पर विचार कर रही है। वहीं पार्ले एग्रो की मुख्य कार्यकारी ने कहा है कि कंपनी ने अभी के लिए पेपर स्ट्रॉ का आयात करना शुरू कर दिया है, लेकिन यह टिकाऊ नहीं है। वहीं सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए पिछले साल अगस्त में अधिसूचना जारी की थी। इसमें जुलाई 2022 के तमाम तरह के आइटमों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा गया था। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB ने नोटिस जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।